फाइनली भाई फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पांच ऐसी कमाल की धमाकेदार बोले तो जबरदस्त एंड्रॉइड ऐप जिसका यूज आप डेली बेस पर कर सकते हैं। डेली बेस समझते हैं मतलब डेली आप इन सभी ऐप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पर आप कोई ऐसी इमेज शेयर करें जिसे आप लॉक कर दें तो आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप एक ब्यूटीफुल बोले तो कलरफुल चार्जिंग एनिमेशन अपने स्मार्टफोन पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। या फिर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी ऐप है जो बैकग्राउंड में आपके स्मार्टफोन का कैमरा यूज कर रही है या फिर आपके स्मार्टफोन का माइक्रोफोन यूज कर रही है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और भी काफी कमाल के और इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूं, फटाफट से जान लेते हैं वो कौन सी ऐप है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बंदे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो उनके लिए एक बोनस ऐप है जो कि काफी फनी और काफी मजेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं टेक। वैसे इंट्रो तो मैंने काफी फटाफट बोल दिया बट अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो जो हमारी सबसे पहली ऐप है ना, ये ऐप आपको बताएगी कि वो कौन सी ऐप है जो बैकग्राउंड में आपके स्मार्टफोन का कैमरा यूज कर रही है या फिर माइक्रोफोन यूज कर रही है। अगर आप अपने स्मार्टफोन में ढेर सारी ऐप इंस्टॉल करते रहते हैं तो इसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि कौन आपकी जासूसी कर रहा है। तो ये ऐप क्या करती है कि अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में ही कैमरा ओपन कर लेती है तो ये ऐप आपको एक नोटिफिकेशन कहे तो एक डॉट आपको दिखाती है डिस्प्ले पर, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई आपके स्मार्टफोन का कैमरा जो है वो यूज हो रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ऐप है जो माइक्रोफोन का यूज कर रही है, आपके आवाज को कोई रिकॉर्ड कर रही है या फिर किसी ने कोई जासूसी करने के लिए कोई ऐसी ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके रखी हुई है तो जैसे ही वो माइक्रोफोन यूज करेगी तो आपको पता चल जाएगा एक डॉट की मदद से कि भाई आपके स्मार्टफोन का माइक्रोफोन यूज हो रहा है। इसके साथ साथ सबसे कमाल की बात यह है कि यह ऐप मेड इन इंडिया है और इस ऐप का यूजर इंटरफेस भी काफी आसान और इजी है। सिंपल है, बस आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है और एक बार आपको इस ऐप को परमिशन देनी है और यहां पर आपका काम हो चुका है कंप्लीट। अब अगर आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा भी ओपन करेंगे तब भी आपको देखिए ये वाला डॉट जो है वो दिखाई देगा। और अगर कोई माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं या फिर आप अपने स्मार्टफोन का ही माइक्रोफोन ओपन कर रहे हैं तब भी आपको ये वाला जो है डॉट दिखाई देगा। इससे ये पता चल जाएगा कि भाई आपके स्मार्टफोन का माइक्रोफोन या फिर जो है कैमरा वो ओपन है। तो आप इस ऐप का यूज करके जान सकते हैं कि भाई आपके स्मार्टफोन में वो कौन सी ऐप है जो जासूसी कर रही है। पर इसके बाद की जो ऐप है ये उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होगी जो नोटिफिकेशन पर काफी फोकस करते हैं। और आपको बताया होगा कि आजकल तो यार छोटी सी छोटी ऐप भी हो ना उसके भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है उन सभी को मैनेज करना चाहते हैं या फिर अच्छे से उन्हें देखना चाहते हैं, एक तरह से कहें तो उन्हें परिवार की तरह रखना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे कमाल की बात यह है कि लिस्ट वन बाय वन मतलब एक बाय एक के बाद एक आप सारे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। साथ साथ में यहां पर व्यू इन ऐप ग्रुप यानी कि हर एक ऐप के जितनी भी नोटिफिकेशन उन सबका आप एक ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें मैनेज ग्रुप, आप उन सभी ग्रुप को मैनेज भी कर सकते हैं चाहे आप उन्हें एडिट करो या फिर डिलीट करो। इसके बाद आप इजी टू कस्टमाइज यानी कि कलर वगैरह भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी कमाल का लगा, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन की थीम रेड है तो आप रेड कलर कर दो, ग्रीन है तो ग्रीन कर दो, तो उस तरह का आपको यहां पर कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और रीड एंड रिप्लाई यानी कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें कोई मैसेज है चैट है तो आप सीधा का सीधा वहीं से ही आप उन्हें आंसर भी दे सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये ऐप बहुत ही तंग कर रही है, इसके नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं, सारे इसको ब्लॉक कर दो, तो भाई उस ऐप को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इस ऐप में मिल जाते हैं। हालांकि इस ऐप का यूजर इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है बट अगर आप इसे यूज करेंगे डेली यूज करेंगे तो आप इस ऐप के एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो काफी कमाल की ऐप है। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी ऐप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है ना ये उन लोगों के काफी काम आ सकती है जो सीक्रेटली खुफिया तरीके से अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर किसी को भी फोटो शेयर करना चाहते हैं वो भी लॉक करके। यहां पर आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप पर इमेज शेयर कर सकते हैं वो भी लॉक करके। यानी कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कोई फोटो शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस इमेज को लॉक कर दें तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। अब देखिए होता यह है कि ये जो ऐप है ये किसी भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देती है और आप उस पीडीएफ पर लगा सकते हैं लॉक। और एक बार अगर आपने लॉक लगा दिया उसके बाद आपको वो पासवर्ड भी जो है वो देना होगा सामने वाले बंदे को। और जैसे आप वो पासवर्ड उस बंदे को या फिर बंदी को दे देंगे और वो जैसे उसे मतलब पासवर्ड ऐड करेगी तो सिंपल है यार इमेज ओपन हो जाएगी। तो है तो काफी आसान बट है ये काफी
काफी कारगर। मतलब अगर किसी को शेयर कर दोगे इमेज वगैरह तो उसे तो ऐसा ही लगेगा पीडीएफ है, और वो खोलेगा भी तो उसे पासवर्ड पता नहीं होगा। तो सिंपल एक तरह से कहें तो ये काफी कारगर रहेगा किसी भी तरह की सीक्रेट इमेज को शेयर करने के लिए। तो काफी कमाल की और यूजफुल ऐप है। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है ये उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होगी जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह डालते रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि इस ऐप की मदद से अगर आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाएंगे या फिर फोटो वीडियो कुछ भी एडिट करेंगे तो भाई फोटो या हो वीडियो जबरदस्त एडिट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको कई सारे टेम्पलेट जो है वो मिल जाते हैं। 3000 से ज्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, 2000 से ज्यादा स्टोरी के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी भरकम चीजें यहां पर आपको मिल जाती है जिसका यूज कर आप एक धमाकेदार इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकते हैं। साथ साथ में अगर आप फेसबुक पेज का कवर वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर बना सकते हैं। बस आपको अपनी इमेज वीडियो जो भी कुछ ऐड करना है वो ऐड करना है और भाई बूम यहां पर मतलब आपका काम आसान हो गया। तो बहुत ही इजी टू यूज है ये ऐप, तो आप इस ऐप का यूज करके सिंपल है इंस्टाग्राम पर फेमस हो सकते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि यार इससे एक दो स्टोरी बना ही लूँ। तो काफी कमाल की और जबरदस्त ऐप है। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद की जो ऐप है ये एक AOD ऐप है, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये एक बैटरी स्टेटस ऐप है जहां पर आपको काफी कमाल का बोले तो धमाकेदार एनिमेशन देखने को मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि ये एनिमेशन कौन से स्मार्टफोन की बैटरी का है, तो उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बट फिलहाल ये जो एनिमेशन है ये आप अपने स्मार्टफोन में भी लगा सकते हैं। साथ साथ में इस ऐप की सबसे कमाल की बात है कि एनिमेशन तो काफी स्मूथ है, साथ साथ में यहां पर और भी कई सारे एनिमेशन आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाते हैं और अगर आपको बिल्कुल भंगार सा एनिमेशन देखने को मिलता है तो आप इस ऐप का यूज करें और अपने स्मार्टफोन को एक स्मार्ट एनिमेशन दे ताकि वो चार्जिंग के वक्त भी अच्छा दिखाई दे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस ऐप में और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप जब आपका स्मार्टफोन लॉक होता है तो उस पर ही आपको कई सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि नोटिफिकेशन देखना है या फिर वेदर वगैरह देखना है, तो ये सारी चीजों को भी लगा सकते हैं। बट भाई मेरा तो फोकस है इसके सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन पर, और आई होप आपको भी इसका एनिमेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसका एनिमेशन आप जोर से लगाएं भाई, फोन कते जहर लगता है, कमाल का लगता है। और यार रियली में यार ये ऐप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो सिंपल है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बारी आती है बोनस ऐप के बारे में। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सिंपल है, अब आपको बोनस ऐप के बारे में पता चलने वाला है। अब इस ऐप को मैंने लिस्ट में इसलिए लिया है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ओरियो को लेकर काफी सारी चीजें आ रही है, यानी कि ओरियो के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ओरियो के फोटो वायरल हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ओरियो बिस्किट आजकल बहुत चल रहा है। तो एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है जहां पर वो एक बंदा है, मतलब वो ओरियो बिस्किट से फोटो बना रहा है। अब यार ऐसा फोटो अगर हमको बनाना है तो हमें तो कितने सारे ओरियो बिस्किट लाने होंगे, और वैसे भी ओरियो बिस्किट काफी महंगे, हम तो पार्ले जी खा के बड़े हुए हैं। तो यार ऐसा वीडियो कैसे बनाए, मतलब ऐसा फोटो कैसे बनाए, तो इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी और इस ऐप की मदद से आप अपना खुद का एक ओरियो फोटो बना सकते हैं, और ये काफी कमाल का और जबरदस्त लगता है। इस ऐप को यूज करना भी काफी आसान है, सिंपल है। वैसे तो आप यहां पर अलग अलग तरह के बहुत सारे व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं यहां पर ओरियो के बारे में। तो सिंपल है, ऊपर आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहां पर आप ओरियो बिस्किट लिखिए या फिर ओरियो लिख लीजिए। इसके बाद आपको यहां पर एक रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो सिंपल है, बस आपको यहां पर क्लिक करना है, अपनी फोटो ऐड करनी है और बूम आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। और सच बताऊं यार बहुत ही कमाल का और बहुत ही प्यारा वीडियो बनता है। तो भाई अगर आप भी अपनी फोटो को ओरियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस ऐप को जोर से ट्राई करना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जिन्हें ओरियो बिस्किट खाना पसंद है, या फिर आप चाहे तो उस चार्जिंग एनिमेशन के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई ऐप के बारे में, नई नई टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, नई नई गेम के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई सिंपल है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो सिंपल है, आपको नई नई वीडियो डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।